तो आपने कैसे क्या किया कि ये तो भगवान जाने, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी विद योर प्रोग्रेस, नेवर। इतना एक एक सवाल कराना बहुत पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने को ना अपनी दुकान भी चलानी है, इसलिए क्या नाम कहते हैं इतना कुछ करना पड़ता है, नहीं तो स्कूल वाले तो आप 2 घंटे में इंटीग्रल भी खत्म कर दे रहे होंगे आप लोगों के। वेरी सेम जी सर। Now, log x into ये आपका 1 + x^-2 dx हो जाएगी। इसमें आपका याद रखोगे सीधा log x कैसे बड़ा आपका logarithmic function और आपका 1 + x^-2 कैसे बड़े हो ना algebraic function, ये हो गया। तो अब आपको इसमें यूज करना है आपका नाम आइलेट using ILET में आपका नाउ। तो इसका मतलब log पहले है और उसके बाद तब algebraic function है, तो नाउ ये इसी बार आप इसको u ले लीजिएगा and this is the तो formula apply now integration of two functions is equal to first function integration of second minus integration of dx means आपका दिस इज द फर्स्ट इंटू इंट्रीगेशन ऑफ नाउ सेकेंड एंड द होल वन डी एक्स फॉर दिस आफ्टर सॉल्विंग दिस वन नाउ इसका इंट्रीगेशन आपका हो गया। तो वहां फॉर्मूला यू है आपका नाम देखो दिस लॉगरिथमिक फंक्शन है तो आपका ये लॉग एक्स यू इंटू इंट्रीगेशन ऑफ आपका 1 + x^-2 आपका हो जाएगा और फिर उसमें इंट्रीगेशन लगाने के बाद आपका नाम ये डी एक्स हो गया माइनस dx of now this is the log x the log hat jayega x jisko hum likhte hi nahi hai now into integration of 1 + x^-2 dx and the whole dx ye ho gaya integration of x^n dx is equal to x^n + 1 over n + 1 ye ho gaya now this is the log x into 1 + x^ it is -2 + 1 over ये -2 + 1 हो गया। Now minus d/dx of now log x is 1/x into again integration आपका इसका हो जाएगा तो ये आपका फिर वही 1 + x^-2 + 1 over -2 + 1 ये आपका हो गया and the whole one ये dx आपका ये हो गया। This the log x उसके बाद it's 1 + x^ it's -1 over ये -1 हो गया। Now minus integration of now देखो this ये 1/x into 1 + x^ it's -1 over ये -1 and dx with this one ये तो सर चेक कर लीजिएगा कहीं पे मैंने गड़बड़ तो नहीं किया है। सवाल क्या है ये देख लीजिएगा कहीं सवाल में कहीं गड़बड़ है सवाल में गड़बड़ है सर। ये आपका क्यूब होना चाहिए था कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्यूब होना चाहिए था ये आपका क्यूब होना चाहिए था क्यूब होना चाहिए था इट्स क्यूब 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 तो ये -2 ये -2 ये आपका नाम ये ऊपर -2 और ये आपका -2 हो जाएगा कोई फर्क पर नहीं पड़ता पावर से मेथोडोलॉजी आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो -1/2 log x और ये फिर अगेन इट विल गो डाउन तो ये आपका 1 + x^2 हो जाएगी माइनस ये आपका नाम ये माइनस माइनस का आपका प्लस हो जाएगा एंड ये आपका हाफ हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस एंड ये अब आपका नाम x into 1 + x^2 ये हो जाएगा और ये dx इसके साथ चल रहा है ये देखिए यार माने तो इसको देखते हुए आपका नाम लुकिंग द डिनोमिनेटर आपका नाम तो इसमें आपका क्या करना था आपने ना
adding and subtracting आपका x in numerator in second expression, ये देखिए second expression का मतलब ये तो already आपका answer आ गया first expression का, ये now we have to compute the value for this second expression, ये देखिए अब इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे, इतना बड़ा ब्लॉक बना करके, अब ये यहाँ पे one upon ये b part इसका कर रहा हूँ, this is आपका a part हो गया, ये तो already आ गया, ये b part में one by two हम बात को ले लेंगे, ये देखो या अभी आप लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं आपका ना उधर से, तो ये one upon आपका x one plus x का whole square, ये x इसमें ऐड कर दिया और x ये देखिए आपका सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये अब आपका ना ये dx तो इसके साथ लगा हुआ है ना one by two separately numerators with the denominator, this facility you can avail only when either binomial, trimonial, whatever is in numerator, वो facility आपकी यहाँ देखिए, one integration है, तो integration आप देखो आपका ना ये one plus x over now the x into one plus x का whole square dx and this minus integration of देखो x over now x into one plus x का whole square dx और ये close हो गया, ये देखिए 1 plus x से 1 power we can say ये 1 by 2 is common for both तो ना देखो यहाँ से 1 plus x कर दिया तो ना देखो this is ये 1 upon 1 dx लिख सकते हैं आप इसको over x into 1 plus x आ गया, क्या कर रहा minus इससे x से this will be cancel तो ना ये आप देखो ये 1 upon 1 plus x का whole square ये dx और ये close हो गया, अभी this 1 by 2 is common for both, अभी हाँ integration dx over ये x into 1 upon x है, क्या करेंगे आप इसको 1 upon x आराम से देखिएगा इसको क्या है आपका नाम देखो this 1 upon x into 1 plus x है और minus 1 upon है sorry again adding and subtracting x in first expression is ab yahan dekhiye aapka sir 1 upon to you 1 plus x minus x ye dekhiye dx over aapka dekho x into 1 plus x ye dekho integration aur ye minus integration of the ye 1 upon 1 plus x ka square ye aapka dekho dx ye hai sir अभी फिर अगेन सेपरेटली न्यूमरेटर्स विद डिनोमिनेटर ये 1 बाय 2 देखिए आपका ये हो गया, अब आपका ना ये 1 प्लस x ओवर आपका देखो x इनटू 1 प्लस x दिस इज द dx और ये देखो ये माइनस ये आपका देखो x dx ओवर नाउ देखो x इनटू 1 प्लस x ये देखो ये हो गया और माइनस ये दोनों इसके लिए है और आपका देखो इंटीग्रेशन हो 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx का ये देखिए कैंसिल हाँ अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx हो गया सर ये माइनस x से x कैंसिल इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 अपॉन 1 प्लस x ये dx हो गया सर और माइनस ये 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx ये देखिए सब कुछ आपका इट इज लाइक ए ओपन बुक आपका ना विद यू ये 1 बाय 2 कॉमन 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा पढ़ा log x ना दो ये माइनस दिस इज log 1 plus x और माइनस इसका 1 अपॉन ये जब ऊपर जाएगा 1 plus x की पावर माइनस 2 देन द सेम फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई हियर तो क्या आना चाहिए सनी माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा नीचे माइनस वन आएगा तो प्लस हो जाएगा तो ये वन बता वन प्लस एक्स अब देखिए यहाँ पे आपको शायद लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू नाउ लॉग एम ओवर एन ये भी पता होगा तो ना ये वन बाई टू आपका लॉग एक्स ओवर वन प्लस एक्स ये
वन अपॉन वन प्लस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एस लॉग एक्स अकर्स इन, ये देखिए अब ये हो गया। तो अब आप देखो आंसर में आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए देखिए माइनस हाफ लॉग एक्स ओवर ये वन प्लस एक्स का, ये देखिए और प्लस ये आपका वन बाई टू विल बी गो इन साइड विद दिस वन एंड प्लस प्लस का प्लस ये वन बाई टू आपका डाउट है दिस वन प्लस एक्स एंड नाउ प्लस सी। ये देखिए आपका वन बाई टू ये आपका दिस इज योर आंसर। बहुत डेप्थ में मैं जब परसेंटेज देखता हूं 95, 96, 97, देखो जो एक्सेप्शन केस है उनके लिए कभी मैं उंगली नहीं उठाता हूं। जो इंटरनल असेसमेंट डाल करके अभी देखो सुबह सुबह हम लोग सुबह उठ करके आ रहे हैं, आपके स्कूल टीचर देखो बिस्तर में ही पढ़ा रहे होंगे, वो लोग बड़ा ताजुब होता हमें, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तभी हिंदुस्तान का रिजल्ट आ रहा है, एकेडमिक का या प्रोफेशनल का आपका नाम। आप कोटा राजस्थान क्यों प्रसिद्ध है, इसीलिए है ये आपका, सुबह से लोग लगे हुए हैं यहाँ जो पढ़ाने वाले टीचर है। आपके यहाँ दो दो दिन में इंट्रीगल भी, दो घंटे में इंट्रीगल भी डिफरेंशियल भी हो जाएगी पूरी, कैसे सीख लेगा बच्चा, माइनूट से माइनूट चीजें तो आप सीख ही नहीं पा रहे। इट्स वेरी शेमलेस थिंग व्हाट गवर्नमेंट आपका जनरली वांट्स एंड व्हाट योर स्कूल जनरली एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। एक्स स्क्वायर डी एक्स ओवर नाउ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का देखिए आपका होल स्क्वायर है। यहां पे अगर आप डीसी ऑफ ये देखिए नीचे इसको देखिए कब डीसी ऑफ एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स क्या होगा आपका नाम बोलो, जैसे इसमें आप प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन d by dx of the graph का sin x और now plus sin x into d by dx of first function और plus आपका d by dx of ये d by dx of now देखो this is the cos x, यहाँ तो product rule differentiation वाला लगा दिया now देखो ये d by dx जो आप लिखते हैं यहाँ पर देखो x into sin x का आपका देखो is cos x plus ये आपका sin x and d by dx of x is 1 और d by dx of cos x is क्या करना है देखिए मल्टीप्लाई है डिवाइड बाई कॉस एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली या जो भी आप लिखे हैं ये। अब आप इसको ये देखो x cos x से मल्टीप्लाई किया एक x dx ऐसे रखा ना देखो दिस इज cos x से आपने इसमें डिवाइड किया एंड दिस इज x sin x एंड ना देखो प्लस ये cos x का होल स्क्वायर, ये देख लीजिएगा सर क्या है पढ़ा क्या सर, अरे अंकल एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख दिया सर, अकॉर्डिंग टू दिस एक्स कॉस एक्स है। तो अब आपका ये देख लीजिएगा आपका बिल्कुल क्लियर, तो यहां देखो ये क्या आ रहा है एक्स कॉस एक्स आ रहा, देखो एक बार आपका देखो एक्स ओवर कॉस एक्स इसको अलग लिख दीजिएगा इंटू देखो एक्स कॉस एक्स डी एक्स ओवर आपका देखो एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पे यूजिंग आईडेंट जिसको आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स क्या है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का मतलब क्या है, आईडेंट ही होगा शायद जो अगर आपको पढ़ाया हो तो ना, तो फॉर्मूला अप्लाई इसलिए सर आपका बिल्कुल मेहनत कर लीजिएगा, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है डम एंड डीफ है गवर्नमेंट,
आपके स्कूल वालों के तो मजे आ रहे हैं, उनका सरकार तो कुछ करती नहीं है। जब अनपढ़ एजुकेशन मिनिस्टर होंगे तो ऐसा ही होगा सर इस देश का। हम रोटी खाने के लिए सर्वाइव कर रहे हैं और अंगूठे छाप मंत्री बने हुए हैं, हम लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। इट्स वेरी डिस्गस्टिंग, वेरी डिस्गस्टिंग। आपका नाम देश ना फर्स्ट फंक्शन, अब इसमें आ रहा है आपका एक्स ओवर इसमें कॉस एक्स, ये किया ना इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स ओवर ना एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आपका नाम डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स आपका नाम ओवर कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स ओवर आपका एक्स साइन एक्स और नाउ प्लस ये कॉस एक्स का होल स्क्वायर एंड द होल डी एक्स ये होगी एक्स ओवर कॉस एक्स। अब ये देखो यहां पे आपका इंटीग्रेशन है, आप क्या करेंगे इसको पढ़न है माइनस कैसे जेड इज इक्वल आप क्या करेंगे बिल्कुल सही आपने बोला जेड इज इक्वल आपने क्या बोला एक्स साइन एक्स कॉस एक्स ले लेंगे आपका ब्यूटीफुल नाउ देखो प्लस कॉस एक्स उसके बाद तो dz is equal to आपका लगभग लगभग क्या आना चाहिए आपका ये आपका x cos x ही आएगा ये dx ये देखिए बिल्कुल सही आपने बोला। तो इसका मतलब अगर मैं फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करूं तो क्या आ जाएगा 1 upon ये तो x cos x dx 1 upon क्या आ जाएगा x sin x plus cos x पावर 2 है ऊपर जाएगी माइनस हो गए तो ये माइनस आ गया आपका मैं इसमें आपका क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्वेश्चन रूल लग जाएगा तो क्वेश्चन रूल लगने से क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आपका वन हो गया प्लस आपका एक्स और वो आपका कॉस एक्स का ये देखो आपका साइन एक्स आपका ओवर नीचे क्या हो जाएगा आपका नाम कॉस एक्स स्क्वायर क्या चीज कहां बीच में माइनस होगा चेक कर लीजिएगा ये है आपका नाम कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और आपका नाम माइनस तो माइनस माइनस का प्लस नहीं हुआ सर क्वेश्चन रूल यूज कर रहे हो क्या हो गया मैं बता दूं ना उल्टो फिर इंटीग्रेशन देखिए आपका नाम सेम चीज आएगी माइनस वन अपॉन एक्स कॉस एक्स सॉरी x sin x और आपका देखो ना प्लस ये आपका देखो cos x हो गया और ये पूरे का dx this is included with this one ये देखो आपका ना तो ये minus x over ना देखो cos x into x sin x और प्लस ये देखो cos x और मुझे जो लग रहा है इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा आपका देखो ना और minus minus का आपका क्या हो गया ये प्लस हो गया यहाँ नीचे क्या होगा cos x square x है ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ लास्ट में आपका क्या बचा sec स्क्वायर dx ये देखो ये तो कैसे x sin x cos x से कैसे तो माइनस माइनस का प्लस 1 upon cos x स्क्वायर आपने रेसिप्रोकल रूल लगाया कि 1 upon cos x is equal to आपका sec x माइनस x 1 upon cos x ये देखिए ये ऊपर sec x लिख दिया 1 upon cos x एंड द x sin x आपका नाम देखो प्लस ये cos x हो गया सर नाउ प्लस sec स्क्वायर x का आपका इंटीग्रेशन क्या होती है सर tan x नहीं होती इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेरी। यहां मैंने बिल्कुल कैलकुलेट करके अंदर आप इसको ऊपर ले जा करके ये आप कर सकते हैं इसको चेक कर लीजिएगा x cos x की जगह मैं आपने z बोला था ये बिल्कुल उसी से मैंने किया है एंड नाउ योर फाइनल आंसर इज माइनस x sec x ओवर x sin x प्लस cos x और प्लस tan x प्लस c
सी आ रहा है, इसको फिर बात को लेटर ऑन आई विल सी इट अपन, प्लीज।